Good morning to all. This is the Protista part 3. Part 1 or part 2 जो है वो live session के form में था, लेकिन part 3 जो है वो video upload कर रहा हूँ मैं. हालांकि Protista से related एक video already जो है पिछले साल जो है upload किया जा चुका है, लेकिन ये एक नया पार्ट है जिसमें हम जो है बातें करेंगे स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स की. और स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स की बात करने के पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप हमें जो है वर्ल्ड बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को आइकन को टच कीजिए और जो है कमेंट कीजिए. अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने जो है टॉपिक को. तो फर्स्ट इज द स्लाइम मोल्ड. ऑलरेडी हम किंगडम प्रोटिस्टा में जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा थे, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और जो है यूग्लेनॉइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो हमें यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स और जो है प्रोटोजोन्स को देखना है. स्लाइम मोल्ड्स की लगभग 900 स्पेसीज जो है पाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में. इन्हें हम स्लाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ये स्लिपरी और जिलेटिनस जो है दिखाई देते हैं, अपीयरेंस होता है इनका, जिसके कारण जो है हम इन्हें स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जानते हैं. तो स्लाइम मोल्ड्स जो है के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल्स जो होते हैं इनमें एब्सेंस होते हैं. क्लोरोफिल एब्सेंट है यानी जो है दे आर नॉट हैविंग एनी कैपेबिलिटी टू मेक देयर फूड. और यही कारण है कि स्लाइम मोल्ड्स को पहले जो है फंजाई के साथ रखा जाता था जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ करता था. लेकिन जो है अभी जो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे जिसके आधार पे हम इसको अलग रख सकते हैं वो ये है कि जो सोमैटिक पार्ट होता है इनका विदाउट सेल वॉल होता है और स्पोर्स जो होते हैं वो सेलुलोजिक सेल वॉल वाले होते हैं. आपको पता है कि फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, बट जो है द स्पोर्स ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स हैविंग सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोज के बने हुए सेल वॉल इनमें पाए जाते हैं. और जो सोमैटिक फेज होता है उनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते. ये सैप्रोफाइटिक होते हैं नेचर में यानी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो है ये ग्रो करते हैं. सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं. यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो है अगर हम सेक्सुअल मोड की बात कर रहे हैं, एक तो ये जो है प्रोटिस्टा है, एक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है. जब हम सेक्सुअल मोड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे सर्टेन स्ट्रेन हैं जो अपोजिट कैरेक्टर वाले स्ट्रेन हैं या जो डिससिमिलर कैरेक्टर्स वाले स्ट्रेन हैं उनके बीच में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. They resemble to the protozoa as well as the fungi. यानी कुछ characters जो इनके protozoa से मिलते हैं और कुछ characters जो है fungi से मिलते हैं. जैसा अभी हमने बताया कि chlorophylls are absent. ये fungi से मिलता है वो character है. और cell wall जो है वो cellulogic होता है. ये जो है fungi से मिलता है वो character नहीं है. ठीक है. दो तरह के slime molds होते हैं. ए सेलुलर या प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड और सेलुलर यानी जो है ये जो दो तरह के जो है जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स इनको जरा हम देखते हैं. पहले तो हम ए सेलुलर या प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स को देख लें. ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर पाए जाने वाले जो है स्लाइम मोल्ड्स हैं. इनका जो सोमैटिक फेज होता है, इस सोमैटिक फेज को अगर हम देखें तो इनका जो सोमैटिक फेज है वो डिप्लॉयड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. और इस डिप्लॉयड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है प्लाज्मोडियम को हम बोलते हैं, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइम मोल्ड को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम. यहां पे ये जान लो कि जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम जो है वो अभी किंगडम सॉरी प्रोटोजोआ के अंदर जो है अभी हम एक टर्म पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम, जिसके कारण जो है मलेरिया कॉज होता है, उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट से बिल्कुल अलग है. यहां यानी यहां पर जो है डिप्लॉयड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म ऑफ सोमैटिक फेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. वॉललेस मास कलर्ड होते हैं या कभी कभी ये कलरलेस भी होते हैं. दे कैन क्रीप ऑन द सर्फेस यानी ये सर्फेस पे सबस्टेटम के सर्फेस पर मूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया. दिस इज द रिजेम्बलेंस विद द फाइलम प्रोटोजोआ. जैसे हम अमीबा पढ़ते हैं कि सीरोपोडिया के थ्रू वो मूव करते हैं, ठीक उसी तरह से जो है ये सीरोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं. दे कैन क्रीप ऑन द सर्फेस ऑफ सबस्टेटम. प्लाज्मोटॉमी को जो है ये शो करते हैं. प्लाज्मोटॉमी ये एक तरह का जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ठीक है.
फाइसेरम, फाइसेरेला, फ्यूलिगो, प्यूबिफेरा, ये जो है डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ देखो ये फ्यूलिगो दिखाई दे रहा है, जिसे हम डॉग वोमिट के नाम से जानते हैं। डॉग वोमिट जो होता है इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने में बिल्कुल ये डॉग वोमिट जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये बिल्कुल डॉग वोमिट की तरह दिखाई दे रहा है। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है वो ह्यूमस कंटेनिंग डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, और इनका जो सोमैटिक फेज होता है वो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड के जो है जस्ट उल्टा होता है। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड का जो सोमैटिक फेज था वो डिप्लॉयड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड था, जबकि ये हैप्लॉयड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और नियमित समी भी करते हैं। इट मीन स्लाइम मोल्ड के दो ग्रुप हो गए, एक तो जो है हो गए प्लाज्मोडियम और दूसरा हो गया मिक्स समी भी। तो मिक्स समी भी जो होते हैं विदाउट सेल वाले होते हैं, दे कैन मूव बाय द हेल्प ऑफ एमोबाइल मूवमेंट। फैगोट्रॉपिक या होलोट्रॉपिक होते हैं, यानी फैगोसाइटोसिस के थ्रू फूड जनरेट कर सकते हैं, या होलोट्रॉपिक जो है होलोजोइक कंडीशन में जो है फूड को जो है वो इंटेक कर सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक रिजिड सेलुलोजिक सेल वाल वाले स्पोर को जन्म देते हैं, जिन्हें हम माइक्रोसिस्ट कहते हैं। यानी माइक्रोसिस्ट जो है एक तरह का जो है इनका जो है स्पोर है जो कि रिजिड सेल वाल वाला है, और ये सेल वाल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। डिक्टियोस्टेलियम और पॉलीसोंडाइलियम जो है ये दो एग्जांपल हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड के। देखो ये भी स्लाइम मोल्ड का जो है डायग्राम दिख रहा है इमेज। नेक्स्ट द प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो है लास्ट फाइलम है। इनके बारे में लीवेनहॉक ने 1677 में जो है सबसे पहले स्टडी किया था, और टर्म प्रोटोजोआ गिवन बाय द गोल्डफर्स इन 1817। गोल्डफर्स ने जो है 1817 में इनका नाम प्रोटोजोआ दिया था। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि विदाउट सेल वाल के होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के आधार पर प्रोटोजोआ को चार मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और ये चार जो मेजर ग्रुप हैं ये कौन कौन है, यहां आप देखो, दीज आर द मेजर ग्रुप, ठीक है। और ये जो मेजर ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये जो है हमारा फ्लैजिला है, सार्कोडाइना है, स्पोरोजोआ है, सिलिएटा है, ठीक है। और ये जो सिलिएटा, सार्कोडाइना या जो है स्पोरोजोआ, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनको अगर हम देखें तो फ्लैजिलेटा में जो है फ्लैजिला जो है मेन जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होता है, ये जो है फ्लैजिलेटा है, इसे हम मैस्टिगोफोरा के नाम से जानते हैं। सार्कोडाइना या अमीबी, इनमें जो है जो मूवमेंट के लिए लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गेनेल पाया जाता है वो स्यूडोपोडिया होता है। स्पोरोजोआ या एपिकॉम्प्लेक्सा जो होते हैं दे आर यूजुअली नॉन मोटाइल एंड पैरासाइटिक इन नेचर। और चौथा है सिलिएटा या सिलियोफोरा जो कि सिलिया के थ्रू मूव करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, पहला देखते हैं फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा। फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है, मे बी फ्री लिविंग, पैरासाइट और सिम्बायंट, तीनों तो हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं और सिम्बायंट्स भी हो सकते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, यानी कोई जो है सेल वाल जो है यहां पर नहीं दिखाई देता। प्रोटोजोआ में एक्चुअली सेल वाल होता नहीं है, वहां पर बॉडी जो है यूजुअली पेलिकल से ही कवर्ड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, और कुछ एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, ट्राइकोनिम्फा, गियार्डिया, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो है एक पैरासाइट है जो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है हमारे बॉडी में, और इसका जो है कैरियर जो है वेक्टर जो है वो सीसी फ्लाई है, यानी सीसी फ्लाई के थ्रू जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ये मूव करता है। लेस्मेनिया, लेस्मेनिया डोनोवनी, ये जो है सैंड फ्लाई या जो है के थ्रू जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, और ये काला जार को जो है कॉज करता है। ट्राइकोमोनास, ये ट्राइकोमोनियसिस को कॉज करता है। तो ये सारे के सारे जो है ये यहां पे जो दिखाई दे, जो हमने नाम लिए
ट्रिप्नोसोमा, लिस्मेनिया, ट्राइकोमोनास, ये सारे के सारे जो है पैरासाइटिक है। लुक हियर, यहां पे ये सभी दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। सार्कोडाइना या अमीबी, सार्कोडाइना या अमीबी जो है इनमें मूवमेंट के लिए सुडोपोडिया पाया जाता है और दे कैन इंगल्फ फूड, यूजुअली दे आर होलोजोइक इन नेचर, फूड को इंगल्फ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो सुडोपोडिया हो गया मूवमेंट के लिए, फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और डैम सॉइल में भी पाए जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, दे आर वेरी फ्यू जो पैरासाइटिक होते हैं, जैसे एंटामीबा। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं या बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, बट द मोस्ट ऑफ देम आर यूनिन्यूक्लिएटेड। यहां पे बाइन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम देखें आर्सेला एंड पेलोमिक्सा, ये दो जो है बाइन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड जो है सार्कोडाइना का एग्जांपल है। रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है और सिंगैमी भी होता है। सिंगैमी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमीबा है, एंट अमीबा है, ठीक है, रेडियोलारियंस है, हेलियोजुअंस है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सार्कोडाइना। लुक हियर, ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग तरह के जो है, यहां ये देखो ये इंगल्फ कर रहा है अमीबा अपने जो फूड को, फूड इज इनटेकन बाय द अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ सीडोपोडियल कैचिंग एंडोसाइटोसिस। स्पोरोजुआ और एपिकम्प्लेक्सा ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं और जो है इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, जैसा मैंने शुरू में बताया, दे आर नॉन मोटाइल, ना तो फ्लैजिया होता है, ना तो सीडोपोडिया होता है, ना सीलिया होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इनमें एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है या सिंगैमी के थ्रू होता है। स्पोरोजुआ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, अभी हमने पीछे भी प्लाज्मोडियम पढ़ा स्लाइम मोल्ड में, उससे ये बिल्कुल अलग है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम जो है हमारे बॉडी में मलेरिया को कॉज करता है, मोनोसिस्टिस है, इमेरिया है, ये जो है कुछ एग्जाम्पल है स्पोरोजुआ या एपी कॉम्प्लेक्सा के। यहां देखो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड जो है प्लाज्मोडियम का है, राइट हैंड साइड मोनोसिस्टिस दिख रहा है और नीचे की तरफ इमेरिया का लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है। सिलिएटेड या सिलियोफोरा, सिलिएटेड या सिलियोफोरा की अगर हम बात करें तो न्यू जो है सीरिया बहुत ज्यादा पाया जाता है, न्यूमरस सीरिया प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द सेल पे लोकोमोशन के लिए और फूड ड्राइविंग के लिए। ज्यादातर जो है फ्री लिविंग होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो पैरासाइट है, बॉडी जो है पेलिकल से कवर्ड होता है। हम शुरू में ही बता दिया कि ऑलमोस्ट पूरे प्रोटोजोआ में पेलिकल से कवर्ड जो है बॉडी दिखाई देगा। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म होता है, यानी दो तरह के जो है न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, वेजिटेटिव सेल में माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस जो होते हैं वो माइक्रो होते हैं, वो छोटे होते हैं इन द नेचर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है और कंजुगेशन के थ्रू जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी दो जो है ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे से कंजुगेट करते हैं, जुड़ते हैं और जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। पैरामीशियम, ओपेलाइना, ये सारे एग्जांपल हैं। देखो यहां पे ये पैरामीशियम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ओपेलाइना है। तो ये जो था हमारा स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स के बारे में था। यहां पे आकर के प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा हमारा कंप्लीट हो रहा है, आप इसे तैयार करो, प्रिपेयर करो, ठीक है, और जो है एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो। जितने भी वीडियोस जो है आपको भेजे गए हैं, लिंक भेजा गया, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग का हो, चाहे वो अपलोड किए हुए वीडियोस का हो, उन सबको आप देखो और देख करके जो है कमेंट करो ताकि हमें पता चले कि आपने देखा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती उसको जो है हमारे पास सेंड करो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।